वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरओबाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, माई सेल्फ अलका पांडे। तो चलिए दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश में यूपी के एमसीक्यू, ठीक है, क्योंकि 14 मई को देखिए आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है। अब आपके पास एक महीने का टाइम भी नहीं बचा हुआ है, तो एमसीक्यू के माध्यम से हम यूपी पीसीएस का करंट अफेयर्स उसको कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं, आज का पहला सवाल है रिगार्डिंग डिजी वैन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द डिजी वैन विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली। तो पहला स्टेटमेंट है, ऑन 5 फरवरी 2023 उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ फ्लैग्ड ऑफ डीजी वैन एट हिज ऑफिशियल रेजिडेंस। बिल्कुल सही है, क्योंकि डीजी वैन जो है वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने इसको शुरू किया था। आगे देखते हैं कि किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है, दिस मोबाइल डीजी वैन विल बी प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट डिजिटल इंडिया टू द पब्लिक। बिल्कुल सही है ये भी, क्योंकि डिजी वैन का जो उद्देश्य है, जो एम है, वो है डिजिटल अवेयरनेस फैलाना, ठीक है। और अंडर G20 प्रोग्राम द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मोबाइल डिजी वैन टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट डिजिटल इंडिया टू द पब्लिक, ठीक है। तो ये इसमें तीनों स्टेटमेंट सही हैं रिगार्डिंग डिजी वैन। फिर आगे बढ़ते हैं, विच रैंक हैज़ बीन अचीव्ड बाई उत्तर प्रदेश इन January 2023 विथ प्रोवाइडिंग मोर देन 75 लाख टैप वाटर कनेक्शन इन रूरल एरियाज़, ठीक है। तो इसको मिली है 4th रैंक। अब इसका एक्सप्लानेशन देख लेते हैं कि जो जल जीवन मिशन योजना है, जल जीवन मिशन योजना, इसके अंडरगत में क्या है कि मोर देन 2 करोड़ 62 लाख रूरल फैमिली हैव बीन गिवन टैप कनेक्शन सो फॉर, ठीक है। ऑफ दिस उत्तर प्रदेश हैज सिक्योर्ड द 4th रैंक बाई प्रोवाइडिंग टैप कनेक्शन मोर देन 75.26 लाख रूरल हाउस होल्ड्स। बिहार इज द स्टेट विच हैज़ गिवन मैक्सिमम 1.58 करोड़ कनेक्शन, इसमें नंबर 1 रैंक है बिहार की। और सेकेंड है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ने प्रोवाइड कराए हैं 1.06 करोड़। और थर्ड पे है गुजरात, गुजरात ने दिए हैं 91 लाख टैप कनेक्शन। और उसके बाद है यूपी का नंबर मोर देन 75 लाख। फिर आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट आर करेक्ट। तो फिर है, इन January 2023 द हाई पावर कमिटी ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ गिवन परमिशन फॉर GI टैग टू 21 एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ठीक है। एंड दीज इंक्लूड पानियाला फ्रूट प्रोड्यूस्ड इन गोरखपुर। फिर है, द स्टार्टअप वैली विल बी सेटअप इन द लखनऊ उत्तर प्रदेश बाई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नोएडा डेवलपमेंट कंपनी। इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। याद रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश की हाई पावर कमेटी है, उन्होंने लगभग 21 GI टैग प्रोवाइड कराए हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को, जिसमें से जो पनियाला फ्रूट है गोरखपुर का, उसको भी GI टैग दिया गया है, ठीक है। और स्टार्टअप वैली जो है वो लखनऊ में सेटअप की जाएगी बाय वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नोएडा डेवलपमेंट कंपनी। फिर है, हु इनॉग्रेटेड द नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट्स ऑफ इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, दैट इज़ इफको, एट ओनला एंड फुलपुर इन उत्तर प्रदेश 14 फरवरी 2023। तो ये मनसुख मांडविया, ठीक है, मनसुख मांडविया ने इसको इनॉग्रेट किया। बस आपको इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आपका नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट है ये आपके उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में ये शुरू किया गया है, आंवला और फूलपुर। फिर है, हु फैसिलिटेट द यंगेस्ट मोटर बाइक रेसर श्रेयस हरीस ड्यूरिंग द उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 इन लखनऊ ऑन 10 फरवरी 2023। तो इसमें नरेंद्र मोदी ने, तो इसमें क्या है, देखिए हरीस, श्रेयस हरीस के बारे में याद कर लीजिए। श्रेयस हरीस जो हैं वो यंगेस्ट मोटर बाइक रेसर हैं और इज़ द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाइड फॉर अ वर्ल्ड रेस, पहले इंडियन है जो वर्ल्ड रेस के लिए क्वालिफाई भी किए हैं। एंड श्रेयस रिसेंटली क्वालिफाइड द FIH मिनी GP वर्ल्ड सीरीज एंड ही इज़ ऑल्सो इंडियाज फर्स्ट मिनी GP चैम्पियन, ठीक है, श्रेयस हरीस।
फिर आगे बढ़ते हैं टू प्रमोट टूरिज्म इन उत्तर प्रदेश कैपिटल लखनऊ. द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल टू कन्वर्ट 5 हिस्टोरिकल बिल्डिंग ऑफ द सिटी कौन सी लखनऊ इनटू हेरिटेज होटल. ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल बिल्डिंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इट. आपको ये बताना है कि लखनऊ में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो वहाँ पे 5 हिस्टोरिकल बिल्डिंग थी उनको हेरिटेज होटल में कन्वर्ट करने को बोला गया है, इसमें से कौन सी बिल्डिंग उनमें से नहीं है. तो देखिए, रोशन उदौला कोठी भी है, कोठी दर्शन विलास भी है और फरहाद बख्श कोठी भी है. 3 तो ये हो गए, लेकिन हाँ उसमें मोती महल नहीं है. याद रखिएगा, मोती महल नहीं है. तो डायरेक्टर ऑफ उत्तर प्रदेश आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट डॉक्टर रेणु द्विवेदी टोल्ड दैट एट प्रेजेंट प्रिपरेशन अराउंड कन्वर्ट लखनऊ 76 मंजिल, रोशन उदौला कोठी, कोठी गुलिस्तान इरम, कोठी दर्शन विलास और फरहाद बख्श इनटू हेरिटेज होटल्स. इन पांचों का नाम याद रखिएगा. पॉसिबिलिटी यही है कि ऐसे ही क्वेश्चन उठ के आएंगे कि हाँ इसमें से कौन नहीं है. फिर है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश अ मल्टी सुपर स्पेशलिटी मिलिट्री हॉस्पिटल विद द स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी विल बी कंस्ट्रक्टेड. तो इसमें है मोर देन वन ऑफ द एबव. इसमें क्या क्या है, द मल्टी सुपर फैसिलिटी स्पेशलिटी मिलिट्री ऑफिसर हॉस्पिटल विथ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज विल बी कंस्ट्रक्टेड इन मेरठ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड लखनऊ. मेरठ और लखनऊ में दोनों में ये मल्टी सुपर स्पेशलिटी मिलिट्री हॉस्पिटल इस्टेब्लिश कंस्ट्रक्ट करने की बात की जा रही है. फिर है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 68th इंडिया इंटरनेशनल गारमेंट फेयर. इसके बारे में है, तो द 68th इंडिया इंटरनेशनल गारमेंट फेयर वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट इंडिया एक्सपोर्ट मार्ट ग्रेटर नोएडा 7-9 फरवरी. ये सही है. एंड इनॉग्रेटेड बाई यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल श्रीमती दर्शाना जरदोस. तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है. फिर अगला है, वेयर वॉज द सेकेंड इंडो इसराइल ट्रामा कोर्स ऑर्गेनाइज फ्रॉम 24-26 फरवरी. तो ये है वाराणसी में, याद करिएगा, सेकेंड इंडो इसराइल ट्रामा कोर्स. फिर है, अंडर प्रधानमंत्री मित्र योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री मित्र योजना और टेक्सटाइल पार्क विल बी सेट इन अ एरिया ऑफ 1000 acres ऑन द बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू डिस्ट्रिक्ट. तो टेक्सटाइल पार्क जो है वो लखनऊ और हरदोई के बॉर्डर पे है. ठीक है, लखनऊ और हरदोई के बॉर्डर पे, अंडर प्रधानमंत्री मित्र योजना. फिर आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू होली सालिग्राम. ठीक है, जो सालिग्राम पत्थर अभी न्यूज़ में आया था अयोध्या के कंटेक्स्ट में, उससे रिलेटेड है. तो कौन सा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्टेटमेंट देखना है कि कौन सा सही है. पहला स्टेटमेंट है कि 2 सेक्रेट सालिग्राम स्टोन्स वेइंग 31 tons एंड 15 tons रीच्ड अयोध्या इन उत्तर प्रदेश ऑन 1-2 फरवरी 2023. बिल्कुल सही है. फिर है, बोथ स्टोन विल बी यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडल्स ऑफ लॉर्ड रामा एंड माता जानकी इन द राम टेंपल. सही है, ये दोनों स्टोन जो लाए गए हैं होली सालिग्राम पत्थर, ये भगवान राम और जानकी के मूर्ति बनाने के लिए हैं. फिर है अगला, कि दे हैव बीन बॉट फ्रॉम गलेश्वर धाम जनकपुर नेपाल. ठीक है, तो ये भी सही है. ये देखिए 1, 2 एंड 3 होगा, ये भी सही है. तो सालिग्राम स्टोन्स आर मोस्टली फाउंड इन रिवर बेड्स और बैंक ऑफ काली गंडक. ठीक है, काली गंडक नदी, ट्रिब्यूटरी ऑफ गंडक रिवर इन नेपाल. एंड स्टोन इज रिवर्ड बाय हिंदूज हु बिलीव इट टू बी अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु. ठीक है, जैसा कि हम लोग के घर में पूजा कथा वगैरह होती है यूपी में, तो हम सभी जानते हैं वहाँ पे सालिग्राम का पत्थर रखा जाता है जो कि रिप्रेजेंट करता है भगवान विष्णु को. ठीक है, तो जो ये पत्थर लाया गया है सालिग्राम का, ये तो पहले 2 पत्थर लाए गए हैं 31 टन और 15 टन के, जिससे भगवान राम और जानकी की मूर्ति बनाई जाएगी. दूसरा ये नेपाल में लाए गए हैं, गलेश्वर धाम जनकपुर नेपाल में, जो कि काली गंडक रिवर नदी के बैंक में है. और काली गंडक रिवर जो है वो गंडक रिवर की ट्रिब्यूटरी है. फिर, वॉट प्लेस हैज़ द टेबलू ऑफ उत्तर प्रदेश गॉट द 74th रिपब्लिक डे परेड. ठीक है, जो यूपी का टेबलू था आपके रिपब्लिक डे परेड में, उसको कौन सा रैंक मिला है, कौन सी प्लेस है, तो 3rd है. ठीक है,
थर्ड है, ये याद रखिएगा। और इसमें इसकी जो थीम रही थी इस बार की वो थी अयोध्या का दीपोत्सव, ठीक है, अयोध्या दीपोत्सव थीम थी, लेकिन इसको मिला है रिपब्लिक डे को रैंक 3। और पहले रैंक पर है इसमें टैब्लो ऑफ उत्तराखंड, विच शोकेस द स्टेट्स आर्ट एंड कल्चर, हैज़ वॉन द फर्स्ट प्राइज। और महाराष्ट्र जो है सेकंड प्लेस पे है और उत्तर प्रदेश थर्ड प्लेस पे। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल। वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल अभी हाल ही में यूपी के रिकॉर्डिंग सुना था हम लोगों ने। तो पहला स्टेटमेंट है, इन फरवरी 2023 द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ऑनलाइन पोर्टल फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी। बिल्कुल सही है। एंड इट्स पर्पस टू प्रोवाइड फ्री एंड चीप राशन टू दोज फैमिली हु डोंट हैव राशन कार्ड। बिल्कुल सही है। ये इसीलिए किया जा रहा है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन लोगों को भी फ्री और चीप राशन प्रोवाइड किया जाए। तो द वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल हैज़ बीन डन टू मेक एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम ईजियर फॉर द फैमिलीज ऑफ द स्टेट एंड ऑल्सो इम्प्लीमेंट द प्रपोजल ऑफ वन फैमिली वन जॉब। इट विल क्रिएट अ कम्प्रीहेंसिव डेटाबेस ऑफ फैमिलीज इन उत्तर प्रदेश। फिर आगे बढ़ते हैं, कौन सा स्टेटमेंट राइट है ये बताना है रिगार्डिंग ताज महोत्सव 2023। ठीक है, तो फ्रॉम 28th February 2023 टू 1st March 2023 10 डे, ठीक है, 10 डे ताज महोत्सव वॉज ऑर्गेनाइज इन आगरा। बिल्कुल सही है। फिर है द महोत्सव वॉज इनॉग्रेटेड बाई चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और द थीम ऑफ महोत्सव इज बस विश्व बंधुत्व। विश्व बंधुत्व सही है, लेकिन हाँ इसको चीफ मिनिस्टर ने ऑर्गेनाइज नहीं किया था। इट वॉज ऑर्गेनाइज बाई योगेंद्र उपाध्याय द हायर एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो दूसरा एलिमिनेट कर दीजिए, ऑप्शन है सी 1 and 3। तो देखिए, द ताज महोत्सव 2023 वॉज इनॉग्रेटेड बाई योगेंद्र उपाध्याय द हायर एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड टोटल ऑफ 300 आर्टिशन फ्रॉम सेवरल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, बिहार, हिमाचल प्रदेश पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट। ये था ताज महोत्सव 2023। फिर देखते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है रिगार्डिंग नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल। तो द 7th एडिशन ऑफ यूपी नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट विजय सागर बर्ड सेंचुरी इन महोबा एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ बुंदेलखंड इन उत्तर प्रदेश फ्रॉम 1st to 3rd February। सही है, बिल्कुल सही है। जो आपका नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया गया वो ऑर्गेनाइज़ किया गया महोबा वो बुंदेलखंड के विजय सागर बर्ड सेंचुरी में। फिर है द ऑब्जेक्टिव ऑफ फेस्टिवल इज़ टू इंस्पायर एंड एक्सेलरेट नेचर बेस्ड इको टूरिज्म। सही। एंड दिस ईयर फेस्टिवल विल रिवॉल्व अराउंड द थीम इको टूरिज्म फॉर नेचर कंजर्वेशन। ये भी सही है, तो कोई इसमें स्टेटमेंट गलत नहीं है, नन ऑफ द अबव होगा। फिर है लास्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन श्री राम जानकी यात्रा। श्री राम जानकी यात्रा जो एसी टूरिस्ट ट्रेन है उसके बारे में है। तो ऑन 17 February 2023 द इंडियन रेलवेज लॉन्च भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिज्म ट्रेन श्री राम जानकी यात्रा अयोध्या टू जनकपुर फ्रॉम सफदरगंज रेलवे स्टेशन दिल्ली। ठीक है, जनकपुर नेपाल। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसको शुरू किया गया था सफदरगंज रेलवे स्टेशन नई दिल्ली से। फिर द ट्रेन विल कवर टू मोस्ट सिग्निफिकेंट पिलग्रिमेज साइट अयोध्या इन उत्तर प्रदेश एंड जनकपुर इन नेपाल। बिल्कुल सही है। और ट्रेन विल गो थ्रू अयोध्या, नंदीग्राम, सीतामढ़ी, जनकपुर, वाराणसी, प्रयागराज ड्यूरिंग 7 day जर्नी। बिल्कुल सही है। तो ये जो है ये ट्रेन है इन द लाइन विद देखो अपना देश इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो ये हमने देख लिया आज उत्तर प्रदेश से रिलेटेड MCQ। ऐसे ही दोनों भाषाओं में, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, हम MCQ अपलोड करते रहेंगे, जो आपके 14 मई के पेपर के लिए तो बिल्कुल रामबाण है। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।